हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और हमारी बहुत ही सारी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीआरएम है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, और भी बहुत सारी सीरीज़ है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, या आप डायरेक्टली हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके भी हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ स्किल्स, ठीक है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ स्किल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हुई है। और जो अभी का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा कि जो हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हम खाली वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो होंगे एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ही है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो अगर आपको आएगा एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट तब भी यही चीज़ें आएंगी, अगर आपको आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तब भी यही पांच चीज़ें आएंगी। तो जो अभी जो हमारा एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसमें आपको पांच चीज़ें आएंगी। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली प्लानिंग क्या होता है? ये जो प्लानिंग होता है ना, ये हर किसी मैनेजमेंट का, हर किसी बिजनेस का, हर किसी चीज़ का जो है प्राइमरी एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये जो प्लानिंग होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम, जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम एक गोल, ठीक है, गोल्स को रखते हैं कि मतलब ये हमारा गोल रहेगा, ऐसे हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हम सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, कैसे हम उन गोल्स को अचीव करेंगे, तो ये किस में आता है? ये प्लानिंग में आता है। प्लानिंग में बेसिकली क्या आता है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी इसके बाद दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, क्योंकि हम, आपको पता होगा कि हम रटाफिकेशन नहीं कराते। आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, हम आपको इसके बाद डेफिनेशन भी दिखाएंगे। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? प्लानिंग जो होता है ये हर चीज़ का, चाहे आप एग्ज़ाम दे दो, आप बिज़नेस कर लो, या कोई भी चीज़ हो, आपको शादी के लिए प्रिपेयर करना है, आपको शॉप खोलनी है, कुछ भी, तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे शॉप खरीदनी है, मुझे कौन से आइटम वहाँ पे डालने हैं, कौन सी चीज़ें मुझे वहाँ पे बेचनी है, कैसा मेरा प्रोसीजर रहेगा, राइट, ऑल दोज थिंग्स। तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग। सिंपली प्लानिंग क्या होता है? ये हर किसी चीज़ का जो है प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ, अभी हम एज़ फार एज़ मैनेजमेंट, क्योंकि अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हर किसी मैनेजमेंट का ये प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग जो है इसके द्वारा हम एस्टैब्लिश करते हैं अपने गोल्स को, और एक हम कोर्स बनाते हैं, एक वे बनाते हैं कि कैसे हमने इन गोल्स को अचीव करना है। ये था हमारा प्लानिंग। दूसरा आएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग जो है ये एक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं एंड रिसोर्सेज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारा जो अब बिज़नेस है इसमें हमारा एचआर डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें हमारा सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें हमारा डेटा साइंस डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें हमारा फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉयज़ रहेंगे, इसमें हमारा जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट रहेगा, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट रहेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम एक क्लब नहीं करेंगे, हमें अलग अलग रखेंगे। नाउ लेट सपोज हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, सर्विसेज के रिलेटेड। अब इसमें हमारा एक तो कस्टमर सर्विस रहेगा, दूसरा सेल्स रहेगा। अब हम इनको क्लब नहीं करेंगे, कस्टमर वालों और सेल्स वालों को हम इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, या हम ये नहीं देखेंगे कि हम अलग अलग से देखेंगे, हम उनका काम इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर हम कस्टमर सर्विस का काम सेल्स के साथ मिक्स करेंगे तो वहाँ पे टोटल काइंड ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें सेल्स का अलग रखना है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना रेवेन्यू आ रहा है। कस्टमर जो है रिलेशन वो अलग हमने रखनी, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे हमने देखना है कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है हमारी सर्विसेज से, राइट, या हमारा जो बोलने का तरीका है, रिव्यूज़ लेने का तरीका, तो वो हमें कैसा आ रहा है, कितना कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें किस में आता है? ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में। सिंपल सी एग्जांपल हम एफएमसीजी की लेते हैं। आप मान के चलो आप एफएमसीजी में काम करते हो, आपके तीन प्रोडक्ट लाइंस है, एक है बिस्किट, दूसरा है चिप्स, तीसरा है फॉर एग्जांपल जूस। तो आप एक क्लब नहीं करेंगे, आप भले ही आपके पास एक छोटी सी फैक्ट्री हो, लेकिन आप अलग अलग साइड पे, एक कोने में आप फॉर एग्जांपल बिस्किट की चीज़ें या बिस्किट की मशीन रखेंगे, दूसरे के साइड में आप फॉर एग्जांपल चिप्स की मशीन रखेंगे, तीसरे साइड में आप फॉर एग्जांपल जूस की मशीन रखेंगे। तो आप बिल्कुल अलग अलग, और इनके साथ टोटली अलग अलग आप रखेंगे। जो फॉर एग्जांपल जूस के साथ डील करते होंगे वो अलग लोग होंगे, जो चिप्स के साथ करते होंगे वो अलग लोग होंगे, क्योंकि इनका काम अलग अलग होगा, इनका बनाने का तरीका अलग अलग होगा। तो ये मिक्स होगा अगर आप इन सभी को इकट्ठे करेंगे। तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? The process of grouping activities and resources in a logical and appropriate manner to accomplish organizational goals. अब हो गया हमारा planning, अब हमारा हो गया organizing, अब आते हैं हम अपना तीसरे पे, staffing।
देखिए ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कंटिन्यूस फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टाफिंग में क्या होता है, जब आप फॉर एग्जांपल लोगों को हायर करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो लेट सपोज आपने 10 लोगों को हायर किया, दो तीन लोग इसमें ऐसे होंगे जो कि इमीडिएटली छोड़ेंगे, दो तीन लोग ऐसे होंगे जो कि एक साल का वेट करेंगे कि हमें थोड़ा सा वो हाइक मिले और एक साल का वो टेन्योर बना रहे हैं हमारा, हम इसको लीव कर देंगे। तो ये वैसे वर्क करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंटिन्यूस प्रोसीजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब काइंड ऑफ स्टाफिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली, आपको एचआर डिपार्टमेंट में किस टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट या फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, आपको किस किस टाइप का बंदा चाहिए, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग इसमें होता है। तो सिंपली अगर हम स्टाफिंग की इंग्लिश डेफिनेशन पढ़े, स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट नीड्स हार्डली एनी एम्फेसिस दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी बेटर दैन इट्स people, ठीक है। एंड हेंस मैनेजर्स मस्ट परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन विद एज मच कंसर्न एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, वो कौन सा है, डायरेक्टिंग। मैं इसकी आपको डेफिनेशंस भी दिखाऊंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कर लो, लेकिन अभी आप फिलहाल समझने की कोशिश करो। मैं डेफिनेटली आपको जो है उसकी डेफिनेशंस भी दिखाऊंगा एक एक की अलग अलग से, आप पहले समझने की कोशिश करो। तो अब हमारा हो गया, हमने प्लान कर लिया गोल्स को, कैसे हमने अचीव करना है, क्या क्या हमें रोड मैप रहेगा, ऑर्गेनाइज हमने कर लिया, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल ये सोच लिया कि कैसे हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने इकट्ठे क्लब करना है या ग्रुप उसका बनाना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट वे में हमने वो ग्रुपिंग कर लिया अपनी रिसोर्सेज का, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है या बाकी रिसोर्सेज है उनको हमने अकॉर्डिंगली ग्रुप कर लिया। अब तीसरा जो है स्टाफिंग है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। फोर्थ है डायरेक्टिंग, अब हमने हायर भी कर लिया, अब हमारे पास स्टाफ भी है, अब हमको हमने डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है टूवर्ड्स गोल अटेनमेंट। उनको हमने समझाना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या क्या गोल रहेगा, हाउ वी हैव टू अचीव इट। अब ये नहीं है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो है हाई लेवल पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक इंपॉर्टेंट गोल है, वो आप ऑफिस बॉय के साथ नहीं कर सकते ना। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो आपको अलग अलग पीपल के साथ शेयर करना होता है ना। लेट्स सपोज हमारा इस महीने का सेल है, फॉर एग्जांपल इस महीने का हमारा टारगेट है सेल करना लेट्स सपोज 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो हम ये किसको कहेंगे, हम थोड़ी ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कहेंगे या फॉर एग्जांपल हम थोड़ी ये एचआर डिपार्टमेंट को कहेंगे, हम ये किसको कहेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को। हम ये मतलब गोल्स किसको कहेंगे, ये वाले गोल्स सेल्स डिपार्टमेंट को। इस बार हमारा जो है हम पिछले से ज़्यादा अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे, उनके साथ अच्छे से और ज़्यादा डीलिंग करें, वो हम किसके साथ डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के साथ। ऐसे ही हमारा जो है इस बार का जो है फोकस है, गोल है कि दैट हमें और अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बेटर होनी चाहिए, उनका फ्लुएंसी इन इंग्लिश बेटर होना चाहिए या बाकी चीज़ें जो है वो हम किसके साथ डिस्कस करेंगे, वो तो हम सेल्स के साथ डिस्कस करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हायर कौन करेगा, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि कौन सा गोल मुझे किन लोगों के साथ डिस्कस करना है, डायरेक्ट उनको करना है कि हमने ये गोल अचीव करना है। और ये नहीं कि मतलब हमने उनको बोलना कि नहीं आप अचीव करो मैं आराम करूँगा, नो, वी हैव टू वर्क विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स, जो कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी है, राइट। तो हमारा हो गया प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, और जो हमारा लास्ट का रहेगा वो रहेगा कंट्रोलिंग। देखिए अब हमने डायरेक्ट भी कर लिया, लोगों को हमने समझाया भी क्या गोल रहेगा, क्या चीज़ें करनी है, क्या करनी है, राइट। अब हमने सीखना है कि कंट्रोल कैसे करना उन लोगों को। अब लोगों को तो हायर के लेट्स सपोज हमने 10 लोग है, 10 लोगों का अलग अलग मिजाज होगा, राइट। तो हाउ वी हैव टू कंट्रोल देम, ये मैनेजर तक है। मैनेजर मस्ट मेक श्योर कि दैट ऑल इट्स मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो हमारे गोल्स है, जो अलग अलग गोल्स है हमारे, उनको अचीव करने में बिल्कुल अपना जो है काइंड ऑफ अपना फुल जो है योगदान दे टू अचीव आवर गोल्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो कंट्रोलिंग होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द वर्क। इसमें ये नहीं है कि अब आप सिर्फ डांटेंगे, गालियाँ देंगे, नो। इसमें हमने अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी एम्प्लॉय से कुछ गलतियाँ होती है, हमने उस पहले ही हमने मॉनिटर करना है एम्प्लॉयज़ को, जो कि मैनेजर का काम है, राइट। उसके बाद उनको कंपेयर करना है कि फॉर एग्जांपल ये क्यों बेटर है, ए बंदा क्यों बेटर है बी से, इनका काम देखना है, ठीक है। तीसरा, अब इसको लगा कि हाँ ए को ये ज़्यादा अच्छा आता है बी से, तो वो बी के साथ वो शेयर करेगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि आगे से रिपीट ना हो। तो सिंपली यही चीज़ें जो है, यही इसको, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैं आपको एक एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या तो आप नोट डाउन कीजिए ताकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आए।
तो हमारा हो गया एलिमेंट्स ऑफ या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये पांच चीज़ें हैं जो कि हमने माइंड में रखनी है। और गोटाफिकेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। प्लान हमने करना है गोल्स को, उनको कैसे अचीव करना है, ऐसे ही फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे ही फिर स्टाफ को हायर करेंगे, ऐसे ही फिर उन स्टाफ को डायरेक्ट करेंगे कि कौन कौन से हमारे गोल्स हैं, फिर वैसे ही हमने उस स्टाफ को कंट्रोल करना है। तो बस सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, ताकि हम जो है आपको वो अलग से ही फ्री में एक सेशन दे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और कोई भी आपको लग रहा है कि कोई भी वीडियो आप हमारा मिसिंग है या कोई भी टॉपिक हमारा मिसिंग है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द कोशिश करें उस पे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।